शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। बताते जाओ भाई साहब के हाथ में दो। मैडम आप फटाफट ऊपर जा जाइए। अरे तुम मेरी टेंशन मत लो, सामान अंदर करो जल्दी। ये लो मैडम, आपसे पहले ही कह रहे हैं उठो पुलिस का सामान। अरे फ्रेम देखो, बाबा जी का फ्रेम है। अरे और भी सामान है क्या? जितना भी सामान है आने दो, नो टेंशन। ये लो अरे ये बहुत रिस्की है। अरे मैडम आप प्लीज सामने देखिए। देख रही हूँ, आप जल्दी से सामान लीजिए। हो गई, लाइन क्रॉस हो ही गई थी आज तो। पता है क्या, आज तक लाइफ में एक ट्रेन नहीं छूटी मेरी। थैंक यू बाबा जी, मेरा रिकॉर्ड टूटने से बचा लिया। अंदर आ गई हूँ मैं, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। मुझे ना नॉन एसी में चलना बेटर लगता है, मगर मेरी फैमिली है ना कहते हैं तुम लड़की हो, जैसे मुझे नहीं पता कि मैं लड़की हूँ। भाई साहब ये एवन है ना? हाँ। थैंक यू। अब एसी से लड़की का क्या कनेक्शन है, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता। I mean, कोई पहली बारी अकेली थोड़ी ट्रैवल कर रही हूँ मैं, मोस्ट ऑफ इस ट्रेन में। ये तो समझ लो मेरा सेकंड होम है जी। 17, 18, हाँ जाए। टिकट दिखाना प्लीज। हेलो आपसे बात कर रही हूँ। ये सीट मेरी है, 23। कमाल है। ओ बॉस, ये पैसेज वाली सीट जो है ना कोई नहीं लेना चाहता, मगर मैं इंसिस्ट करती हूँ कि भैया मुझे पैसेज वाली सीट ही दो। रिजर्वेशन वाले अंकल बड़े हैरान परेशान से हो जाते हैं, मगर मेरा फंडा ये है कि मेरा सफर है ना इस ट्रेन के साथ खत्म नहीं होता। आगे जाना है मुझे भटिंडा, वहाँ घर है मेरा, फैमिली है, सबकी फैमिली होती है, मेरी भी है। सब कहते हैं मुंबई बड़ा क्राउडेड है। अरे क्राउडेड मतलब क्या, क्राउड हम जैसे लोगों से तो बनता है, खुद भीड़ का हिस्सा है और तकलीफ भी खुद ही को है। मैं तो जा रही हूँ मुंबई छोड़ के हमेशा के लिए। आई थी पता है कब, जब मुंबई बॉम्बे था, हॉस्टल हॉस्टल हॉस्टल, सेंट टीजर्स बोर्डिंग स्कूल हॉस्टल इन शिमला, मिशनरी हॉस्टल फॉर कॉलेज गर्ल्स इन बॉम्बे सेंट्रल। मुझे कसम है आज के बाद मैं कभी हॉस्टल में नहीं रहूंगी। आई होप बरसात के आने से पहले ये रोड्स की डिगिंग बंद हो जाए, वरना पता है क्या होगा। एनीवेज क्या हुआ, अरे शर्मीले टाइप के लिए या सिर्फ बदतमीज हो। हाँ कुछ तो बात है, 3 बारी पूछ चुकी हूँ पर कोई जवाब ही नहीं। टिकट प्लीज, बर्थ पे है, देती हूँ। एक्सक्यूज मी भाई साहब, टिकट प्लीज। हेलो भाई साहब, तालाब अंदर आइए, आइए आइए, और टिकट दिखाइए। ये तुम्हारी टिकट देखना चाहते हैं। टिकट कहाँ है? टिकट मेरे पास टिकट नहीं है। एक्चुअली देखिए क्या हुआ है कि इनका प्लान जो है ना लास्ट मोमेंट पे बना, इसलिए टिकट खरीदने का टाइम नहीं था। वैसे ट्रेन काफ़ी खाली जा रही है, तो आप अब इनकी टिकट बना दीजिए, नो प्रॉब्लम है ना भाई साहब? आप कन्विंस हो गए या मैं और बोलूँ? कहाँ की टिकट बनाऊँ? हेलो कहाँ तक जा रही है ये ट्रेन? क्या लास्ट स्टॉप दिल्ली? दिल्ली की टिकट बनाइए। देखिए मैं बता ही दूँ, इनके साथ एक हादसा हुआ है, बुरा वक्त है, तभी ये दिल्ली। क्या बॉस, चक्कर क्या है, ड्रग्स लिए क्या? देखो
लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना तो तुम मुझे बता सकते हो, आई डोंट माइंड, बता दो। बड़े सारे दोस्त मेरे मुझे अपने सारे प्रॉब्लम्स बताते हैं और मैं उन्हें सॉल्व कर देती हूँ। पता है मैं ऐसी टाइप की लड़की हूँ, एग्नियार्स होती है ना मैगजीन्स में आर्टिकल जाती है वैसी। बात क्या है बताओ, बताओ क्या प्रॉब्लम है, बताओ बताओ, शर्माओ नहीं, बोलो ना प्रॉब्लम क्या है, बताओ यार। तुम हो मेरी प्रॉब्लम, बोलती जा रही हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं नहीं करना चाहता तुमसे बात, मैं नहीं जानना चाहता कि तुम भटिंडा जा रही हो या बनारस किसी हॉस्टल में रहती थी या किसी ब्रॉथल में। आई जस्ट डोंट केयर, ऑलराइट? सो जस्ट प्लीज प्लीज लीव मी अलोन, ऑलराइट? ब्रॉथल वाली बात ठीक नहीं थी क्या? देखो मेरा मेरा मुझे पता है, क्लियरली तुम महा अपसेट हो किसी बारे में, इसलिए तुम मुझ पर भी अपसेट हो गए और बकवास करने लगे। मगर इट्स ओके, हाँ मुझे बुरा नहीं लग रहा है। एक्चुअली मुझे आजकल किसी बात का बुरा नहीं लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि मेरी शादी होने वाली है बहुत जल्दी। अच्छा सुनो, भाग कर शादी कर रही हूँ, लड़का सीख नहीं है ना, लोग मानेंगे नहीं, पर शादी के बाद कोई क्या कर सकता है, जाके पैरों में गिर जाना है उनके, माफ तो करना ही पड़ेगा। मुझे ना पहाड़ बहुत पसंद है, रियली बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बहुत क्रेज है भाई। एक तो ये हिल और माउंटेन के बीच फर्क क्या है मुझे आज तक समझ में नहीं आई। मैं तो बस वेट कर रही थी कि कब मेरा कॉलेज खत्म हो जाए और उसकी ट्रैवल एजेंसी शुरू हो जाए। जबकि ना जूते अच्छे नहीं मिलते, तभी तो मैं तुमसे कहा था ट्रेन से उतरने के लिए, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती। ओह, मेरी गलती है, बेशरम। मैं तुम्हारा हेल्प कर रही थी, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। ओके, थैंक यू कि तुमने मेरी मदद की, अब तुम मेरा पीछा छोड़ोगी प्लीज? पीछा छोड़ोगी? अच्छा, इतना आसान नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है और अब तुम मुझे भटिंडा पहुंचाओगे, मेरे घर तक, और वो भी मेरे सारे सामान के साथ। जी हाँ, मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। हाँ, कोई डाउट मत रखना दिल में, सिखड़ी हूं मैं भटिंडा की। अरे भाग रहे, अरे पकड़ो उस आदमी को, चोर चोर चोर, अरे चोर, अरे हट, चोर को पकड़ो, नालायक, वर्दी उतार के फेंक दे। अरे जल्दी करो, अरे हाँ, चलो 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 चलो,
अरे हाँ सुन ली ऊपर वाले ने, अब चलो। ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे ट्रेन पकड़ेंगे हम? ट्रेन तो आप कैसे भी नहीं पकड़ेंगे। रतलाम अगला स्टेशन है, 100 किलोमीटर। तुम क्या जानो तुम क्या हो? He's mad. He's totally mad. बीतिया गाड़ी रोको। हाँ? गाड़ी रोको। क्या हुआ? क्या हुआ? Oh God, थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे? अंदर चलो। हाँ? चलो। अरे, अरे क्या, क्या, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? देखो हम सब ये सिचुएशन इनकी वजह से, अगर कुछ भी टूटेगा पूरा डैमेज ये देंगे। टेंशन मत लो, मैं दिलवा दूंगी। अगर इस गाड़ी को कुछ हो गया जान। और तुम? देखो मेरी और मदद करने की तुम बिल्कुल कोशिश मत करना प्लीज। मैं अकेला बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मेरे पैसे यार। अरे पैसे तो मेरे। अरे रुको यार। भाग चलेगा। एक सेकंड। मैंने आपको खरीदी पैसे बारो करने, पानी लेने। और है? ट्रेन में रिटर्न करती हूँ। और है ना, पूरे है ना, पूरे पूरे। देख मैं तुझे तेरे पैसे दे रहा हूँ तो चुपचाप खड़ा रहे, समझा? पानी साथ बंद हो गई। माय गॉड, छोला छोला सब अपनी जगह पर है, पर पानी का काम पानी ही करता है। कहते हैं ना बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड फ्री, पर अब वैसे पानी तो फ्री रहा नहीं। कितने का है? 14 रुपये। क्यों, रेलवे के दाम तो कम होते हैं? यही रेट है मैडम। अच्छा, कंज्यूमर कोर्ट से पूछो क्या रेट है, हैं? उल्लू बनाते हो? 2 रुपये के लिए इतनी झिकझिक? 2 रुपये कुछ नहीं होते तो चोरी क्यों कर रहे हो? चोरी? और क्या, और कहते हो मैं झिकझिक कर रही हूँ? पैसे वापस दो। ये लो। हद हो गई है यार, क्या मतलब है इसका कि मैं रतलाम की गलियों में घूम रही हूँ? ट्रेन से देखती थी ये घर ये गलियाँ, जिंदगी में कमाल है ना? बहुत मजा आ रहा है ना, पिकनिक पर आए हैं हम लोग। तुम्हें उठाकर म्यूजियम में रखना चाहिए, टिकट लगनी चाहिए तुम्हें देखने के लिए। हाय हाय क्या बात है, और तुम्हें क्या रखना चाहिए? ट्रेन में हो मगर पता नहीं ट्रेन कहाँ जाती है, अनजान किसी स्टेशन पे उतर जाते हो, फिर पागलों की तरह गाड़ी चलाकर ऑलमोस्ट मेरी जान लेकर यहाँ पहुंचते हो, और यहाँ क्या,
अंधेरे रास्ते पर चले जा रहे हो अकेले रतलाम की गलियों में। यार तुम्हारा प्रॉब्लम है क्या आखिर, बता ही दो आप। सॉरी सॉरी सॉरी, तुम अपने प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करते, राइट? बच्चन के फैन हो क्या, एंग्री यंग मैन? आज खुश तो बहुत होगे तुम, है? अग्निपथ, अग्निपथ, बताओ ना। अच्छा तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है, बोलो ना, ये तो कोई सीक्रेट नहीं है यार। कहाँ आ गया हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, क्यों? चलिए प्लीज। क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हो? नो क्रेडिट, ओनली कैश। क्रेडिट कार्ड टैरिफ क्या है? हाँ? एक दिन का रूम का कितना पैसा लेते हो? आपको रूम घंटे के हिसाब से चाहिए? जितना पूछ रहा हूं उतना ही जवाब दो, समझे? एक दिन का रूम का कितना? दिन भर के लिए क्यों चाहिए, हमें कौन सा दिन भर रहना है? सुनो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ बहुत कमाल बात कर रहे हो, पैसे वैसे भी कम है और हम रूम घंटे के हिसाब से लेंगे। गीत, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बी प्रैक्टिकल यार, इसमें शर्माने की क्या बात है, हमें कुछ ही घंटों का काम है, हम रूम पर आवर पे लेंगे। कितने घंटे के लिए चाहिए? दो घंटे काफी होंगे? अच्छा चलो सेफ साइड, तीन घंटे तो मोर देन इनफ है। हाँ तीन घंटे कहाँ मिली? ट्रेन में। ट्रेन में? ट्रेन में भी? आइडिया अच्छा है। सुन आइटम कैसा है? एकदम कड़क, ब्यूटी। थैंक्स। तीन घंटे। क्या कुसर पुसर कर रहे थे उसके साथ? तुम बहुत बड़ी कार्टून हो, पता है तुम्हें? हो सकता है, मगर मुझे कराटे आता है। तो बस बता रही हूं, ब्राउन बेल्ट हूं मैं। अच्छा 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 अच्छा, तुम्हें कराटे आता है, मतलब अगर मैंने तुम पर रेप करने की कोशिश की तो तुम मुझे कराटे कर दोगी, राइट? हो सकता है, आई मीन यस, बिल्कुल। दिखने में ऐसे लगती हूँ मगर बड़े सारे लोगों को मार गिराया है मैंने। नो वरी, मैं तुम पर रेप नहीं करने वाला। तुम कर ही नहीं सकते हो। मैं करना चाहता ही नहीं। चाहो भी तो नहीं कर सकते हो। तुम क्या मुझे चाबी लगा रही हो कि मैं तुम पर रेप करने की कोशिश करूं? नहीं, मैं बस क्लियर कर रही हूं, तुम्हें कोई रॉन्ग सिग्नल ना मिले। स्टेशन पर मैंने तुम्हें हग किया और कहा किसी होटल पे चलते हैं, पता नहीं तुम क्या सोच रहे होगे, वो भी तुम्हारे जैसा आदमी। मेरे जैसा आदमी मतलब? बॉम्बे में घूमती होंगी तुम्हारे आसपास उस टाइप की गर्ल्स, मगर मैं बता देती हूँ कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। सोचना भी मत, पुराने ख्याल की हूँ मैं, वन मैन वुमन, और मेरा है अंशुमन, वन एंड ओनली, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हें जानकर खुशी होगी दैट आई एम ऑल्सो वन वुमन मैन, ऑल राइट? ये देखो। शुर, 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 शुर। वाओ, मस्त है यार, बड़े लकी हो। नहीं, लकी नहीं हूं। ओ, तो ये प्रॉब्लम है, इस लड़की ने तुम्हें डंप किया है। लाइफ ने मुझे डंप किया। मतलब? ओ गॉड, द फेमस साइलेंस एंड ऑल, इतना बड़ा सीक्रेट क्या है तुम्हारा? मैंने सब कुछ बता दिया तुम्हें, तुम क्यों नहीं बोल सकते? एनीवेज, देखो देखो इस फोटो को, इस लड़की ने तुम्हें डिच किया है ना, पकड़ो, जला दो इसे।
Come on, Geet, you can't be serious here. I'm damn serious. जला दो फोटो को. ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? मेरी बात मानो, बच्चों जैसी बातें करो, जला दो इसे. तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा. अरे जला दो साली को यार. ये लो. चलाओ चलाओ, no tension. अब बाथरूम में जाओ और हमेशा हमेशा के लिए इसे अपनी जिंदगी से फ्लश आउट कर दो. जाओ. बेटर लग रहा है? You know what? ये बेवकूफी का काम करके मुझे एक्चुअली अच्छा लग रहा है. I'm actually feeling better. You were right. देखा? और सच बताऊं मैं तुम्हें, दिखने में बुरे नहीं हो तुम. हैंडसम हो यार, अमीर भी लगते हो. इससे तो बहुत बेटर लड़की मिल जाएगी तुम्हें. ये तो तुम्हारे आगे शिफ्ट थी. थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड. बता रही हूँ मैं ना, मैं लड़की हूँ कि नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई भी लड़की फ्लैट हो सकती है. तुम उस टाइप की होगी. देखो मेरी शादी अंशुमन से होने वाली है एंड ऑल दैट, पर अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होता तो यू नेवर नो, शायद मैं भी तुमसे पट जाती. जस्ट इमेजिन. तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना? बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूं. क्या हुआ? काश मैं भी तुम्हारी तरह हो सकता. वो तो मुश्किल है, मगर इससे बेटर लड़की मिल जाएगी, इसकी गारंटी है. तो तुम ही दिला दो कोई अच्छी वाली. अच्छा एक बात बता, मैं कैसी लगती हूँ तुम्हें? What? देखो, देखो मुझे. ये किस तरह का सवाल है? I mean, don't be sure. Tell me no. माता खोलो जल्दी. माता, अरे पानी पानी निकल जल्दी बाहर. पूरा पैसा निकाल. ओए हेलो, क्या हुआ? चलो बाबा जी अब तो हद पार हो चुकी है. अब इस रात में और कोई एक्साइटमेंट मत देना. बोरिंग बना दो जी अब इस रात को प्लीज. बस सुबह 6 बजे निकलेगी. नींद आ रही है? नहीं. तुम्हें? वो तुम मुझसे क्यों पूछ रही थी कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ या नहीं? अरे हाँ, अच्छा बताओ मैं तुम्हें कैसे लगती हूँ? मगर क्यों? ओहो, क्यों का कोई जवाब नहीं होता. अच्छी लगती हूँ, फटाक मस्त. अरे जल्दी बोलो. हाँ हाँ हाँ. हे, तुम मुझे लाइक करते हो तो मेरी सिस्टर को भी लाइक करोगे. रूप, मेरी कजन, बिल्कुल मेरी जैसी है. बात सुनो, मैं बहुत जल्दी भागने वाली हूँ अंशुमन के साथ. तुम्हारा रूप भी साथ में भाग लो. तुम्हारी प्रॉब्लम भी सेम है, दार्जी मानेंगे नहीं, और फिर चारों इकट्ठे रहेंगे पहाड़ों में. बड़ा मजा आएगा. व्हाट डू यू से? हम ये क्यों ना करें कि तुम और मैं भाग जाते हैं, शादी करते हैं और रहते हैं पहाड़ों में. देखो कन्वीनियंट ऑप्शन है. अगर अभी हम भटिंडा नहीं जाते तो भागी तो गए ना. देखो अगर तुम रूप के साथ शादी करते हो तो मैं तुम्हारी सारी बनती हूँ, आधी घर वाली. आधी का क्या करूंगा, मुझे तो पूरी चाहिए.
मिल रही है ना रूप पूरी की पूरी और ऊपर से मैं आ जी। ओके 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 बार्गेन ऑफर है। एक के साथ आधी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। या दैट मेक्स सेंस बट अगर मैं तुमसे शादी करता हूँ तो भी तो ऑफर वैलिड है। मैं तुमसे अपनी बहन की रिश्ते की बात कर रही हूँ और तुम मुझे लाइन मार रहे हो। तुम हमेशा ऐसे ही बकवास करती हो या आज कोई स्पेशल ओकेजन है? नहीं मैं तो हमेशा बकवास करती हूँ। तुम? नहीं मेरा फर्स्ट टाइम है। एक्चुअली तेरे से मिली नहीं ना आज तक कोई। भटिंडा चल मिलवाती हूँ। देखता हूँ। तुम मेरे साथ अंदर चलो। नहीं 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 गीत मैं चलता हूँ। कहाँ जाओगे? I'll be okay रोमारी। नहीं तुम मेरे साथ अंदर चलो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती। चलो। गीत रेडी? I gotta go। देखो मेरी फैमिली आ गई है। इनके सामने सीन मत क्रिएट करना। तुम कुछ देर आ रहे हो। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उसके बाद तुम चले जाना। चलो गीत। गीत ओ भाई ये हॉस्टल वाले हमारी भतीजी का कुछ खाने पीने को नहीं जा रहे। कितनी दुबली हो गई है, है? कैसी है? आओ जी आओ जी आओ ना आ जाओ आ जाओ। दारजी मेरी बहन है। दारजी मुंडा कौन है? जी मेरा फ्रेंड है दारजी। किस तरह का फ्रेंड है? वैसी कोई बात नहीं है दारजी। कैसी बात नहीं मतलब बस फ्रेंड है। तो फिर घर क्यों लाई हो? वो तो ऐसा है दारजी कि घर ये लाया है मुझे। मेरी ना ट्रेन छूट गई थी एक स्टेशन पर रात को। अगर ये नहीं होता आपको तो पता है अकेली लड़की खुली हुई तिजोरी की तरह होती है। मैं तो जानती भी नहीं थी इसे। ट्रेन पे ही मिले थे हम लोग। फिर भी ये मेरे साथ 1000 किलोमीटर आया है भटिंडा मुझे सेफली घर पहुंचाने को। और तो कोई दोस्त ही नहीं है ना क्योंकि मेरी उम्र में एक झलक में पता चल जाता है कि लड़के लड़की के बीच क्या हो रहा है। दारजी प्लीज आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। शर्मिंदा? अगर शर्म होती तेरे अंदर तो तू ऐसे कपड़े पहनती? ऐसे कपड़े पहनकर घर आई है तो मुंबई में तो नंगी घूमती होगी। नाम क्या है? अब जी आदित्य। आदित्य क्या? आदित्य कुमार। काम क्या करते हो? जी मैं म्यूजिक का काम करता हूँ। हम तुम्हारे कर्जदार हैं पुत्र। अब तुम्हें 1 हफ्ता यहीं रहना होगा हमारे साथ ताकि हम तेरा शुक्रिया अच्छे ढंग से अदा कर सकें। वह गुरु की मेहर हो तुझ पर। बंबई वाले कुछ खाते नहीं है यार। क्या बात है? अरे बस 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 प्लीज प्लीज मेरा पेट फट जाएगा प्लीज। क्या नॉनसेंस है? कभी सुना कि इसका पेट फट गया? और क्या इनफिनाइट इलास्टिक के बने होते हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। अरे जी 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 प्लीज पहुंचा। अरे आप लोगों ने लस्सी नहीं पिलाई? ले पंजाब आया तो किसी ने लस्सी नहीं पिलाई? मैं लाती हूं। अरे अरे क्या कर रहे हो भाई? अंदर आ जाओ। ओए यार बहुत बड़ी गलती हो गई। तेरी बहन को बचाया। आज के बाद किसी की बहन के साथ ऐसा नहीं करूंगा। पुत्र जी तुझे चलो मैं आपके लिए नाइट के कपड़े लेकर आता हूँ। ओह गॉड यार अरे कैसे तो मैं मर जाऊंगा यार। अरे यार कुछ नहीं होता आ जाओ ना। अरे तू समझता नहीं है यार मेरा पेट फट जाएगा यार। तुम देखो गेस्ट रूम खुला है। अरे क्या हुआ? बड़ा पंगा हो गया यार। अब क्या हुआ? मैंने तुझे बताया था ना कि यहाँ पर अंशुमन के पास कोई नहीं चलता। और मत गीत क्या करे? अच्छा हुआ तू आ गई। आदित्य ये है मेरी बहन रूप। रूप ये है आदित्य। तुझे इसके साथ भागकर शादी करनी है। गीत बोलने से पहले 1 सेकंड सोच तो लिया कर। और ये तू अंदर क्या कर रही थी? ओहो पजेसिव। अभी से ही जलन हो रही है क्या? घबरा मत हम वो नहीं कर रहे थे। ये जो है ना वन वुमन मैन है तेरे साथ फेथफुल रहेगा। रूम खुला है तो ले जाना। यहाँ क्यों खड़ा कर रखा है? जाओ
अच्छा सुनो, तू उधर देख, सीक्रेट है। कल सुबह बहुत जल्दी उठना, घर के पीछे खेत पर एक पुराना ट्रैक्टर है, वहां मिलेंगे। क्यों? बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।